हेलो गाइज, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं सुनील गोस्वामी, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा सेशन SSC CHSL जो अभी एग्ज़ाम होने वाला आगे मार्च या अप्रैल तक होगा, तो उस एग्ज़ाम के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज के मॉक टेस्ट है जिसमें 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो अभी पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसमें आपको लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो एशियन नामक संगठन की स्थापना देखिए 1965, 1966, 1967 या 1968, तो इसकी स्थापना है वो 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो देखिए, चीनी है, अरबी है, स्पेनिश है, पर्शियन, इनमें से कौन सी? तो ये तीनों हैं और पर्शियन कोई भाषा नहीं है इसमें। अगला देखिए, केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ है? लखनऊ में है, यूपी में। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार लीजेंड ऑफ प्लेनेट दिया गया है? तो किसको दिया गया है? बिंदेश्वरी पाठक को। सांगरीला संवाद हाल ही में किस देश में संपन्न हुआ है? सांगरीला संवाद हाल ही में किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। एक आंख के लिए एक आंख का सिद्धांत पूरे देश को अंधा बनाता है, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? महात्मा गांधी ने। छत्तीसगढ़ जिले में मई 2013 में नक्सलियों द्वारा 26 व्यक्तियों की हत्या की गई, तो वह कौन सा था? बस्तर में की गई। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्रीय उपक्रम सार्वजनिक जो क्षेत्र उपक्रमों की संख्या है वो 260 है। विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कौन सा था, सॉरी, जो विद्यालय है विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला। निम्न में से कौन सा इंग्लैंड का राजनीतिक दल नहीं है? तो ये लिकुंड पार्टी नहीं है, लेबर है, कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? तो दीवान निगारा वहाँ की जो मलेशिया की संसद है उसका नाम है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने एशिया से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एशिया से 13 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य नहीं है? तो जो पनामा है वो नाफ्टा का सदस्य नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन और मुख्यालय है वो वियना में है। विश्व रेडक्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडक्रॉस दिवस है 8 मई को मनाया जाता है। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाजा की दरगाह का निर्माण किसने किया था? तो सुल्तान गयासुद्दीन ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? तो 1962 में। 1905 में जापान ने निम्न में से किस देश को परास्त किया? रूस को। किस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ? 1941 में। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने किसे परास्त किया? तो मेदिनी राय को। जार्जियुल ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1888 में। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो सूबों की संख्या उस टाइम 20 थी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? तो आंध्र प्रदेश में।
सबसे ज्यादा सीमेंट होती है। चोलामू झील किस प्रांत में है? तो सिक्किम में। निम्न में से कौन सा प्रांत तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। निम्न में से किसे पर्ल ऑफ द ओरिएंटल कहा जाता है? तो सिंगापुर को कहा जाता है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है वो विश्वेश्वरैया है, विश्वेश्वरैया। तो ये हमने 30 क्वेश्चन जो हमारा मॉक टेस्ट था इसमें डिस्कस किए हैं, एसएससी सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर कराऊंगा जिसमें 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।